नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं हूं फिजा हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है टेक्निक्स टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। हमारे पहले टॉपिक में हमने आपको बताया था यूजिंग योर 11 सेंसेस टू परफॉर्म एवरीडे टास्क, और इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे टेक्निक्स टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। लेकिन यही दोनों टॉपिक एक दूसरे की कड़ी है। ना तो आप सेंसेस के बगैर टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप टेक्निक्स के बगैर सेंसेस को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए इन सेंसेस और टेक्निक्स दोनों को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना और इसे अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करने के लिए इन दोनों ही टॉपिक्स को समझना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें इन टेक्निक्स और सेंसेस पे कमांड हासिल होगी, हम दरियाफ्त कर लेंगे कि हम हर वो काम कर सकते हैं जो काम हम करना चाहते हैं। तो आइए सीखते हैं ये टेक्निक्स क्या हैं। 1. विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन यानी तसव्वुर करना। तसव्वुर करने के लिए जरूरी है कि आपके पास बहुत सी विजुअल मेमोरीज हो जिन्हें आप तसव्वुर कर सके। जो लोग लेट ब्लाइंड हुए हों, वो इस टेक्निक्स के थ्रू फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल कर सकते हैं और वो तमाम काम जो कि वो विजुअल इम्पेयर्ड होने से पहले करते रहे थे, उन कामों में वापस से महारत हासिल कर सकते हैं। मसलन आप याद करें कि आपका किचन कैसा था, आपका सिंक कहाँ था, आपका कुकिंग स्टोव कहाँ था, आपके कैबिनेट्स, वर्कटॉप्स और फ्लोर किस कलर के थे, फ्रिज कहाँ पे रखा हुआ था। जब आप ये तमाम चीजें तसव्वुर करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी, और इसी तरह फिर आप अपने घर के बाकी कमरों को भी तसव्वुर करें। इस तरह आपके लिए घर में चलना फिरना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना और खुद को हर जगह एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। 2. विडिएशन। विडिएशन हमारे लिए एक नया वर्ड है। माना ये जाता है कि ये टर्म परविस पोंडर, जो कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की फील्ड में पायनियर माने जाते हैं, उनके मुताबिक विजुलाइजेशन और मसल मेमोरी एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। आप कोई ऐसा काम चूज करें जो आप अपने विजन लॉस होने से पहले बहुत फ्रीक्वेंटली किया करते थे, और फिर आप तसव्वुर करें कि वो काम करते हुए आप खुद को कैसा देखते हैं। इसी तरह बिल्कुल आप वो काम तसव्वुर करते हुए महसूस करें कि वो काम करते हुए आप क्या महसूस करते थे, तो दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। जैसे आपके दिमाग में एकदम से मंजर आ जाएगा कि वो काम करते हुए आप कैसे लगते थे, वैसे ही आप महसूस करने लगेंगे कि वो काम करते हुए आप अपने मसल्स को किस तरीके से यूज करते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने आंखों से कोई मंजर देखा और वो हमारे तसव्वुर में सेव हो गया। इसी तरह हमारे मसल से की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज हमारी मसल मेमोरी में बिल्कुल वैसे ही सेव हो जाती हैं जैसे आंखों से देखा हुआ मंजर हमारे तसव्वुर में। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है चीजों को सीखने और उसमें महारत हासिल करने के लिए। 3. स्पेशल ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन से वाबस्ता है कॉन्सेप्ट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी आप अपने काम वाली जगह को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि आप वहाँ पे एक्टिवली मूव कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप एक बड़ी सी ट्रे लें, उसमें आप मिक्सिंग बोल, मेजरिंग स्पून और कप रख दें। ये आपकी डिफाइंड बाउंड्री है। आपको पता है कि मिक्सिंग बोल्स, मेजरिंग कप्स और स्पून इस ट्रे में रखे हैं। अब इस ट्रे से बाहर आप वो तमाम इंग्रेडिएंट्स रख दें जो कि आपको मिक्सिंग बोल में शामिल करने हैं। फिर इसी तरह जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते जाएं, उस इंग्रेडिएंट्स को उसकी जगह पे वापस रखते जाएं, ताकि आपको अपनी चीजों को उठाने में कोई दुश्वारी ना हो और ना ही कोई फैलावा हो और ना ही कोई चीज एक दूसरे से टकराए। आपको पता हो कौन सी चीज कहाँ रखी है,
और कौन सी चीज़ को कहाँ लेके जाना है। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा महारत और आसानी हो जाती है। स्पेशल ओरिएंटेशन से वाबस्ता ही एक और टेक्निक है बॉडी साइज स्पेस। हम उन जगहों पे ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं जो कि हमारी बॉडी साइज स्पेस के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर ट्रे हमारी बॉडी साइज के मुताबिक ही डिज़ाइन की जाती है। इसी तरह सिंक, चूल्हा, फ्रिज, अलमारियाँ, शीशे, कैबिनेट्स और फर्नीचर वगैरह हमारी बॉडी साइज को सामने रखते हुए ही डिज़ाइन की जाते हैं, जिनसे हम अपने काम बआसानी कर लेते हैं और किसी भी चीज़ तक रसाई हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। बॉडी साइज स्पेस के साथ अगर हम स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और मसल मेमोरी को मिला दें तो हम बहुत से काम बहुत महारत से कर सकते हैं। मसलन हमें अगर अपने किचन की सफाई करनी है तो हम अपने किचन को छोटे सेक्शंस में बॉडी साइज स्पेस को सामने रखते हुए डिवाइड कर लें और हर सेक्शन को बारी बारी साफ करें, यानी सिंक और स्टोव का एक सेक्शन, कैबिनेट्स का एक सेक्शन, और इस तरह डिफरेंट तरीके से हम अपने किचन को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके बहुत महारत से अपना सफाई सुथराई का टास्क पूरा कर सकते हैं। 4. सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न। सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न ये भी एक क्रिटिकल स्किल है। अगर आप खाली सरफेस पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप ग्रिड पैटर्न में करेंगे, लेकिन अगर आप काउंटर या टेबल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप फ्रंट से बैक और लेफ्ट से राइट करेंगे, इस यकीन दहानी के साथ कि आप जहां सर्च कर रहे हैं आपने वहां पे पूरा एरिया कवर किया है। आपके लिए ये स्किल बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है माइक्रोवेव यूज़ करने में और इसी तरह दूसरे टास्क यूज़ करने में। बर्तनों को धोने में भी ये स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामद हो सकता है। आप सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न के थ्रू अपने बर्तनों को धो सकते हैं, यानी एक साइड से पहले किसी प्लेट को सर्कुलर मोशन से साफ करें और फिर दूसरी साइड से उसी तरह सर्कुलर मोशन में साफ करें, फिर पानी से धो के देखें और सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न से देखें कि कहीं कोई स्पॉट रह तो नहीं गया। अगर आप देख लें कि कोई स्पॉट रह गया है तो आप उसे वापस से धो सकते हैं। इसी तरह आप वॉशरूम में चीज़ों को बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, शैम्पू, कंडीशनर और बाकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें बगैर गिराए और बगैर फैलाए। इसी तरह आप रेस्टोरेंट में बहुत कॉन्फिडेंटली खा पी सकते हैं सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न के थ्रू। 5. हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन। हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अपने बहुत से डेली लिविंग टास्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। मसलन किचन एक्टिविटीज़ में हम कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसी तरह कुछ फ्राई करना, इसी तरह पोरिंग वाटर या हॉट वाटर कप्स में पोर करना, अपने फेस पे कंप्लीट मेकओवर करना और इस तरह के बहुत सारे टास्क हम हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू बाएतमाद तरीके से कर सकते हैं। लैंडमार्क एंड क्लू। अगर आम डेफिनेशन देखी जाए लैंडमार्क की तो वो ये है कि लैंडमार्क आपको बताता है कि आप कहाँ मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस, आपकी मंजिल पे कोई बैंक है या आपकी मंजिल के साथ कोई रेस्टोरेंट है। लैंडमार्क और क्लू का मकसद सिमिलर है, लेकिन लैंडमार्क और क्लू में डिफरेंस ये है कि लैंडमार्क परमानेंट होता है और क्लू टेम्परेरी होता है। फॉर इंस्टेंस, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई फूलों की दुकान है या कोई कॉफी शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर वो फूलों की दुकान बंद है तो आपको क्लू नहीं मिलेगा कि आप कहाँ मौजूद हैं। इसी तरह कॉफ़ी शॉप या कोई फूड स्ट्रीट ये भी आपके लिए एक क्लू होता है आपको ये बताने के लिए कि आप कहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये उस वक्त ही कारामद होता है जबकि वो फंक्शनल हो। यानी अगर फूलों की दुकान बंद है तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप जहाँ पहुँचने वाले थे आप वहाँ पहुँच गए हैं या नहीं। लैंडमार्क एंड क्लू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली मूव कर सकते हैं और अपने कामों को बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत इफेक्टिव और एसेंशियल स्किल है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते।
अगर आप 10 ब्लाइंड इंडिविजुअल से पूछें कि उनकी सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने का राज क्या है, तो वो सभी लोग यही बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का रूल आपके बहुत से कीमती टाइम को जाया होने से बचा लेता है, आपके कामों के दौरान होने वाली बहुत सी फ्रस्ट्रेशन को कम कर देता है और आपकी सेफ्टी को भी यकीनी बना देता है। अगर आप अपने कामों में ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली, एफिशिएंटली, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक टेक्निक्स टू परफॉर्म एवरीडे टास्क, जिसमें हमने आपको विजुअलाइजेशन, विडिएशन, स्पेशल ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक सर्च पैटर्न, लैंडमार्क एंड क्लूज, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन जैसी टेक्निक्स बताई। ये तमाम वो टेक्निक्स हैं जिन्हें हम 11 सेंसेस के साथ यूज करें तो हम 99% वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि एक साइटेड पर्सन, और अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंटली, ग्रेसफुली और एफिशिएंटली गुजार सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।